सभी लोगों का नॉट गेम फ्लूट की एक तो ब्रांडी वीडियो के अंदर और आज हम लोग जाने वाले वापस अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड में करेंगे एक खतरनाक चैलेंज को कंप्लीट। तो चलो चलते हैं फटाफट से, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 123K लाइक का गोल लगाते हैं, ठीक है जल्दी से कंप्लीट कर दो। जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, 3 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं तो जल्दी से कर दो। बाकी चलो चलते फटाफट से वीडियो की तरफ को। गाइस हो चुकी है एकदम नई गुड मॉर्निंग इन कार फॉर सेल, और अगर हम लोग अपनी खिड़की से अपनी गाड़ी को देखें, वाह जी वाह क्या लग रही है ना भाई। यही चीज है, पता है मैं मजाक नहीं करूंगा, अरे दरवाजा बंद नहीं करा भाई। इतना बड़ा शोरूम का ओनर होने के लिए ना यही मतलब एक अच्छी चीज यही है कि तुम लोग भाई गेम की रेयरेस्ट कार्स चला सकते हो भाई। लिटरली डॉज वाइपर इज लाइक द मोस्ट रेयर कार इन दिस गेम राइट नाउ। लाइक फिर भी GTR तब भी हमारे पास तीन पड़ी हुई है समझ रहे हो, पर अपने पास डॉज वाइपर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और भाई ये गाड़ी में चला पा रहा हूँ क्योंकि वी आर ओनर ऑफ वामू शोरूम। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी सुपर कार्स का एक डेस्टिनेशन वामू शोरूम। जी यार चलो चलते हैं फटाफट से भाई। आज हम लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी, जो कि मैं तुम लोगों को लास्ट वाले में बताया था, अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुम्हें याद है तो अब भी कमेंट करो भाई, अब भी क्या अभी करो। और चीटिंग मत करना, ऐसा नहीं कि आधी वीडियो देखने के बाद बता रहे हो, अब भी क्या अभी करो। तो यस गाइस, लास्ट वाले में अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों ने किया था एक छोटा सा चीज जो हम करने की ट्राई करते चैलेंज, बट हम लोग सैडली ओ भाई मर्सिडीज कूप आई हुई है, और ये शायद से वो उंडे फुंडे सेंट्राफा है ना, मतलब ह्युंडई सेंट्राफा, बट वही मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाले में हम लोगों ने चैलेंज लिया था कि हम लोग कैसे भी 10 फरारी जमा करनी है, बट सैडली हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि अपने पास पैसे की कमी हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने एक बेवकूफ़ी और करी थी जो कि सबको पता है, हम लोगों ने अपनी लैम्बोर्गिनी गवा दी भाई वहाँ जाके रेस ट्रैक में। इनको तो बताऊंगा मैं, रुको इनसे बढ़िया करके लूँगा मैं, पहले अपनी डॉज वाइपर में जरा फ्यूल अप कर लेते ना यार, यार दिखने की तो बहुत क्रेजी लगती है। और ये कलर जो है ना ये इतना परफेक्ट है ना, रात को ब्लैक दिखता है एकदम, और ऐसे में देख रहा हूँ ऐसा प्रॉपर ऐसा डार्क ब्लूइश कलर आ रहा है चमक के एकदम। अरे यार जल्दी हटो भाई, शोरूम तो देखो मैं अपना, आय हाय ये देख रहे हो तुम यार, ओनर की गाड़ी है भाई, बिल्कुल एकदम एंट्री पे खड़ी होगी, एंट्री पे समझ रहे हो ना तुम यार। ये देख रहे हो वामू नंबर प्लेट वाली गाड़ी, कहीं भी दिखे तो समझ जाना तुम्हारा भाई चला रहा है। ये देखो वाओ, एक मिनट, अच्छा मेरी GTR वहाँ खड़ी भाई, थोड़ा बहुत डैमेज आ गया था GTR में, इसकी वजह से मेरे को GTR को वहाँ खड़ा करना पड़ा, मेरे को अभी हुआ मेरे को यार, मेरे को तो एक मिनट भाई GTR गए, काम करते सबसे पहले इसको ऊपर लगाते GTR को अपनी, और अपनी डॉज वाइपर में घूमेंगे आज तो देखो तुम लोग। सबसे पहले जाते हैं फटाफट से अपनी GTR को सही करके एकदम मस्त करके ऊपर लेके आते हैं, और उसके बाद हम लोग को आज कैसे भी, मुझे नहीं पता भाई क्या होगा कैसे होगा, बट हम लोगों को कैसे भी आज 10 फरारी लेनी लेनी है भाई, फिर कुछ हो जाए, चाहे मेरे को रात भर लग जाए ना आज, तो मैंने दिन से शुरू करा है, आप मुझे चाहे 8-10 घंटे भी लग जाएंगे ना, मैं गारंटीड करूंगा भाई इस काम को। मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट ये आज होके रहेगा भाई, कुछ कर लो। फिर हम एक काम करते हैं, एक बार ना ऑक्शन में देख भी लेते हैं, ऑक्शन खुला है 2 बजे ऑक्शन होने वाला है भाई, क्या पता एक दूसरी डॉज वाइपर मिल जाए, तुम सोचो कितना क्रेजी हो जाएगा भाई। गाइस लाइक वाला बटन मारो फटाफट से, लाइक वाले बटन को तोड़ दो, तुम्हें पता है मेरा लक कितना खतरनाक चलता है जब तुम लोग लाइक वाला बटन दबाते हो, प्लीज दबा दो, लेट्स गो। कैसे कैसे भाई, भाई कैसे, कैसे भाई। थैंक यू जिसने ये वीडियो को अभी लाइक मारा ना, मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ भाई। जिसको भी लग रहा है, अगर बाय चांस तुम्हें लग रहा है कि भाई ऑक्शन पहले से था, मैं जाके चेक कराया, एक बार ना टाइम देख लेना वीडियो की स्टार्टिंग का, एक बार वीडियो की स्टार्टिंग में, अरे यार तुम लोग को यहाँ पे टाइम, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो। अब तुम एक काम करना, वीडियो की स्टार्टिंग देखना और उसके बाद सोचना कि क्या मेरे पास इतना टाइम था कि मैं यहाँ पर आके पहले ऑक्शन चेक करा, फिर मेरे को दिखा कि अरे डॉज वाइपर है, फिर यहाँ पर आके तुमसे नौटंकी कर रहा हूँ कि क्या पता मैं डॉज, भाई मैं बाय गॉड बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ये कैसे हो रहा है जादू, बट भाई हम लोगों को लेजिट, मैंने ऐसे तुक्का मारा भाई, मैं तो जाने भी नहीं वाला था, मैं तो वहाँ पर सीधे अपनी वो सही करा के GTR सही करा के सीधे निकल रहा था, बाय गॉड कह रहा झूठ ही बोला भाई, और हम लोग लिटरली ड
डॉज वाइपर मिल गया, अब भी बोल रहा था जस्ट ये गेम की सबसे ज्यादा रेयरेस्ट कार है भाई अपने पास, एक डॉज वाइपर खड़ी है, ये खड़ी है, वो खड़ी है, भाई हम लोगों को लेजिट दूसरी डॉज वाइपर वो भी ऐसे मिल गई कि मेरे को मैं सोच भी नहीं रहा था कि मिल सकती, तुम समझ रहे हो। पहली डॉज वाइपर के लिए मैंने कितना टाइम दिया, ये देखो तुम लोग यार डे देख लो, 433 डे बाद दिन के एक मिनट, ओए ऑक्शन शुरू हो रहा है, उतर क्या हो गया, अटक गया गेम पूरा, नहीं प्लीज कटा नहीं प्लीज, मैं पूरा गेम लैग हो गया, ओके वो भाई अगर ये क्रैश हो जाता, क्योंकि ये बीटा वर्जन है तो यार ये क्रैश होने का लाइक हो सकता है क्रैश कभी भी, भाई अगर ये अभी क्रैश हो जाता ना मैं भगवान कसम रो देता तुम लोगों के सामने, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा भाई, मेरे को नहीं पता कैसे हो रहा है। एक डॉज वाइपर हम लोगों को कितना तोड़ फोड़ के मिली थी भाई, जो लोग ये सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है एक डॉज वाइपर हम लोगों को कितना तोड़ फोड़ के मिली थी, और दूसरी डॉज वाइपर हम लोगों को ऐसी भाई मजाक में ऑक्शन स्टार्ट हुआ 2 बजे का ऑक्शन है बोल के गए, और ये देख लो तुम लोग भाई, ये लो ये तेरे को नहीं दिए मैंने, जिनने लाइक करी थी ना वीडियो को और लक बढ़ाया भाई उनको दिया है मैंने, ठीक है गाइज अभी भी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक और बटन दबा दो, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल भाई, ये क्या कर दिया हम लोगों ने भाई, वीडियो जस्ट स्टार्ट हुई मैंने हाई हेलो कराया और हम लोगों को डॉज वाइपर मिल गई, ऐसी किस्मत भाई, पता नहीं यार आज क्या खाया था मैंने, आज जो भी खाया था ना मम्मी से बोलूंगा बिल्कुल मम्मी नाश्ते से लेके डिनर तक का आज से यही चलेगा भाई, आज से यही चलेगा, सिर्फ यही खाऊंगा मैं, एक मिनट मैंने एक केला खाया था अभी, रुक जाओ मैं एक और केला खाऊंगा भाई, अब मैं एक और केला खाऊंगा, क्या पता डबल लक हो जाए, रुको इनके ऑक्शन के प्राइस बढ़ा के आता हूं उंडे फुंडे खरीदनी नहीं है मेरे को, हाँ पता चला मेरे सर पड़ गई है, ले लो सब ले लो, अरे आराम से यार जिसको चाहिए ले लो, मैं ले लूँ जल्दी करो खत्म करो, जल्दी करो मेरे को लास्ट गाड़ी तक जाना है डॉज वाइपर तक, जल्दी करो भाई, ले भाई ले पुणंग ले 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 कौन लेगा, लो अब कोई नहीं बढ़ा रहा है, मेरे को मिल गई, ले लो कोई भाई नहीं लेनी है मुझे ये गाड़ी है, जैसी मैं बीट कर रहा हूँ कोई बीट नहीं कर रहा, और इतना खतरनाक नाम दिख रहा है क्या, पर गेमर फ्लीट दिखते ही बंदे बीट करना बंद कर दे रहे हैं भाई, क्या बदतमीजी चल रही है ये, फिर भाई अच्छा हुआ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे पैसे कमा लिए गाइस, अरे लो भाई कौन लेगा, अरे कौन है मेरी डॉज वाइपर कौन लेगा बताओ ना, कौन है कोई, अब धीरे धीरे करके करते क्योंकि ना ज़्यादा नहीं उड़ानी ना, अरे कौन है भाई, अच्छा पैसा पड़ा है मैं तो सब डाल दूंगा भाई, 1 मिलियन लेगा कोई, 1 मिलियन में लेगा, ले ले लेगा कौन लेगा 1 मिलियन बताओ, अबे ले भाई ले 61,000 सीधे जाओ, 1.1 मिलियन एंड द कार गोज टू गेमर फ्लूइड, आओ भाई हाँ जी कुड़ी क्या दी वाइपर ले लो, कुड़ी कहती पहले डॉज वाइपर ले लो, नहीं यार यूट्यूब कॉपीराइट मत दे दो भाई, कॉपीराइट लग गया ना दिक्कत हो जाएगी, ये भाई अपनी डॉज वाइपर को पहले देखते हैं इस गाड़ी में, अरे डैमेज भी नहीं है कुछ भी नहीं, रुको हम लोग इसको क्या कहते हैं अपना टोइंग ट्रक में डालते हैं, इनमें अगर डैमेज है कुछ नहीं है भाई, ये भी एकदम क्लीन गाड़ियाँ मिल गई हम लोगों को, कैसे ब्रो कैसे, इसमें भी डैमेज नहीं है, व्हाट मेरे को खैर चाहिए नहीं थी ये गाड़ियाँ, बट मतलब ठीक है वो मैंने वहां भेज दी का भाई, ये डॉज वाइपर देखो एक बार, आए हाय हाय ऐसी दो हो गई भाई पे, कितनी है दोस्तों 2, वो किसका ट्रक जा रहे हो हैं, वो ट्रक ऐसे क्या कर रहे हो, ये मेरा ही ट्रक है, एक मिनट रुको
जरा ये वामू कैलिफोर्निया वाली को यहाँ खड़ी करूँ, ये क्या बदतमीजी है भाई। नाटी नाटी, रुको एक मिनट, ये सारी गाड़ियों को मैं सेलिंग पे लगा देता हूँ सबसे पहले गाइस, उसके बाद अपनी द ब्यूटी द डॉज वाइपर। भाई पता नहीं यार, मुझे बताओ भाई तुम्हारी किस्मत इतनी तगड़ी चली है कि तुमने बस ऐसी बोला हो कि गाइस हम लोग ना डॉज वाइपर अगर यहाँ पर गए और डॉज वाइपर मिल गई ना गलती से, मजा आ जाएगा, लाइक वाला बटन दबा दो। और भाई लेजिट हम लोगों को जाके वहाँ पर डॉज वाइपर ही मिल गई, और मैं लिटरली वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ गाइस अगर एक डॉज, भाई वो गाड़ी का, अबे वो कहाँ जा रही है भाई, जाते जा रही है और रुक नहीं रही। टार्जन, टार्जन द वंडर कार भाई, SRT है। हाँ ये क्या बदतमीजी है भाई, चल तो भाई यार इसको लेके चलो फटाफट से। टार्जन द वंडर कार बनी पड़ी है भाई, चली जा रही है, चली जा रही, रुकी नहीं रही गई। इजी भाई, चाहे जैसी भी गाड़ी हो जीरो डैमेज वाली गाड़ी बिकेगी तो महंगी ना। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये सारी गाड़ियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोग ये सारी गाड़ियों को निकाल देते हैं। फोटो हमारे पास है नहीं इनकी, कितने रुपए की बिकेगी ये कौन सी गाड़ी बेच रहा हूँ मैं, 1.8 मिलियन। अबे अटक क्यों गया, 1.8 मिलियन डॉज। ओए अबे तुम लोग थोड़े पागल वागल हो क्या भाई, डॉज वाइपर बेचूंगा मैं अपनी, क्यों ली क्यों मैंने, 1 लाख रुपए भाई, क्या कहते उसे, ग्रेट कार ग्रेट कार ग्रेट कार भाई मेरा, मैं लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स हूँ जो अभी हमारे साथ हुआ है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में यार, ग्रेट कार ग्रेट कार। ठीक है ये भी कितने की जाएगी, 28,000 की, ले जाओ ले जाओ, सब ले लो भाई, $1 में बेच दूँ। हाँ यार बात कर रहे हो यार, 54,600। चलो भाई बस हो गया अपना, ये हो गया लैम्बोर्गिनी तो अपनी है, बस तीनों को हमने लगा दिया है सेल पे, इसको खोल देते हैं जरा अपनी ये वाली डॉज वाइपर को, मैं गाइस एक सेकंड देना या इस वाली डॉज वाइपर को मैं ज़रा वहाँ पे लगा दूँ शोरूम के बीच में बिल्कुल, और उसके बाद वो वाली को मैं अपनी पर्सनल डॉज वाइपर बनाऊँगा, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। बस बेस्ट है, देख रहे हो कितना परफेक्ट सिंक कर देता तुम्हारा भाई, अब जब ये सी उधर को होगी तो ये इधर को मुंह कर रही होंगी, यार काम तो है मेरे, देखो कुछ भी बोलो काम तो बढ़िया ही करता हूँ मैं, ये हुई ना बात, ये देखो। अबे यार रात ही हो गई, कोई बात नहीं गाइस, रात अकेली है डॉज वाइपर में घूमेंगे। चलो भाई हाई बीम चमकाते हुए आंखें लोगों की, चलो सू। अबे यार इसमें वो नहीं है ना, इसको हम लोग को मॉड करना पड़ेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल मॉड करेंगे। मेरे को यार एक बार चेक करना है भाई सही में कि लाइक डॉज वाइपर तो डॉज, अरे भाई इसमें ड्रिफ्ट वो लगा हुआ है, ड्रिफ्ट किट लगी हुई है इसमें, देखो मेरे को चेक करना है कि डॉज वाइपर तो डॉज वाइपर। ओके मेरे को जेन्युइनली लगा वो निशान जीटी आ रहा है, मेरे को लगा ऐसी किस्मत तो नहीं हो सकती मेरी भाई कि एक मेरे को पहले डॉज वाइपर मिल गई और दूसरे रेस में निशान GTR लगा रखे किसी ने, मैं अब भी लेके आ जाता अपनी गोल्डन GTR यहीं पे भाई। बस चलो चलो चलो, या भाई नेबरहुड वाले भी सारे देखेंगे, देखो रुको पहले तो नेबरहुड वाले को परेशान कर देता थोड़ा, ये लोग मेरे ऊपर बहुत मजाक उड़ाते थे ना पहले, वो देखो छोटू जा रहा है छोटू, वो देखो अबे इसके पास तो कोई गाड़ी नहीं है ये तो बेकार है ये वो, अब देख लो ये वाला सबसे ज्यादा हल्ला मचाता था। फ्लेम मार के जाएंगे आज से जी यार भाई ऐसी हरकतें मत करना ठीक है, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो ऐसा कर मत करना ये एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी, ये तो मैं कर रहा हूँ भाई। नेबरहुड वाले क्या चिड़ेंगे मेरे से भाई, वो बोलेंगे यार सुबह को जा रहा था ये, सुबह को गया ये काली क्या कहते हैं डॉज वाइपर लेके, एकदम डार्क ब्लू डॉज वाइपर लेके, और आ रहा है रात को सफ़ेद डॉज वाइपर लेके, क्या चल रहा है यहाँ भाई, ये कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहा है ये, इतने पैसे कहाँ से ला रहा है ये, सुबह को अलग डॉज वाइपर रात को अलग डॉज वाइपर भाई साहब। आए हाय रुको जरा एक मिनट गाइस, अरे यार मैं भी यार रुको जरा एक मिनट, लास्ट वाले को हम लोग रुको बस ये कर देते हैं क्लीन क्लीन, हो गई क्लीन बस ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट, अबे कार धुल गई क्या पूरी, अबे यार जी जी भाई चलो
अरे भाई साहब ये क्या हो गया भाई, दो मिनट के लिए रुका मैं, रुक जा कहाँ गया, रुक जा इसने मेरी गाड़ी पलटाई, कहाँ गई बेटे, रुक जा कैमरे हैं यहाँ, यहाँ कैमरे लगे हैं। ओ भाई तुमने देखा क्या करा इसने मेरी डॉज वाइपर के साथ, ओ भाई भाई उड़ा के ले गए मेरी गाड़ी को आगे को, भाई क्या बदतमीजी है, यार ये तो बाप, ये क्या बात हुई बताओ तुम लोग यार, भाई ऐसे चलती है दुनिया। भाई ये लकी एसडे है क्या मेरा इस गेम के अंदर, पहले एक डॉज वाइपर मिल गई ऐसे ऑक्शन में, भी पहले ऑक्शन में, उसके बाद यहाँ पे गाइस चलते चलो। ओ भाई यहाँ पर हम लोग की एक मास्टर RX7 खड़ी है, अगर हम लोग इनसे रेस जीत जाते तो ये मास्टर RX7 हमारी हो जाएगी, हमारे पास दो मास्टर RX7 पहले से और ये तीसरी मास्टर RX7 हो जाएगी, फिर तो बोला ही नहीं जा रहा है सही से, मैं क्या करूँ भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो भाई जल्दी चलो, अरे तेल वेल कुछ नहीं भरवाना है मेरे को भाई, जल्दी चलो इसको मैं खड़ी करता हूँ वहाँ पे, जल्दी से अपनी मास्टर RX7 निकालता हूँ नीचे से और चलो यहाँ से निकलते बस बाबा। भाई इसमें से पहले तो ड्रिफ्ट फिट हटवाना है मैंने, ठीक है, और बहुत सारे काम करवाने पर वो बाद में करेंगे, मैं आ रहा हूँ ठीक है, गाड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लेना भैया, ठीक है जानते हो मेरे को, सामने वाला शोरूम बाइक का ही है ठीक है, यहीं खड़ी कर लेना थोड़ी देर के लिए, वामू शोरूम से दूसरी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। अरे यार तुम लोग भाई यार तुम 100-100 रुपये के लिए लड़ रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा भाई अभी देखो करोड़ों का वो करने जा रहा है, डील करने जा रहा है। चलो गाइस फटाफट से अपनी अपनी RX7 निकालता हूँ यहाँ से। भाई इसके व्हील क्या लगते हैं यार, वाडू है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तो कूल लग रहे हैं व्हील्स, देख रहे हो। चलो फटाफट से यहाँ से निकालते हैं, सबसे पहले मेरे को ना एक बार टेस्ट करानी है ये कहीं वो वाली ना हो, मैंने क्योंकि दो बनाई थी वैसे जहाँ तक मुझे याद है। अरे यार उन्होंने डॉज वाइपर लगा रखी है यहाँ पे, मैंने ना क्योंकि मेरे को जहाँ तक, अबे यार गेम रुक गया, अबे प्लीज 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 क्रैश मत होना, क्रैश मत होना भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ये मिनी हार्ट अटैक देता है मेरे को पता ही, अटकता है ना जिस समय। यस 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 जल्दी करो भाई, इससे पहले दोबारा अटके जल्दी करो बस, ठीक है अपनी ये यहाँ पे रख दी मैंने, अब इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी आय को, मेरे को बस ये चेक करना है कि इसमें ड्रिफ्ट फिट है या फिर ड्रैग फिट है, मतलब रेस फिट है या फिर ड्रिफ्ट फिट है। अबे ये क्या हुआ, सस्पेंशन इसके थोड़े से और लोअर कर देते हैं ताकि तेज भागे, ठीक है ज़मीन से चिपक के भागेगी, हमको कौन सा ही डर है भाई, हमारे कौन से बहुत ही बड़े स्पीड ब्रेकर है, रेसिंग फिट है इसमें सब कुछ डला हुआ है, व्हील सब कुछ बढ़िया वाले हैं, रेसिंग किट है ना, फिर से एक और बार रीचेक कर लेता हूँ ठीक है। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर से, भाई अभी बज रहे 10:48, 11 ही मान लो, 11 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेट्स गो भाई। भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है भाई, हम लोगों को डे वन पे जैसे ही हम एंटर करें वैसे ही हम लोगों को डॉज वाइपर, भाई तुम लोग थैंक यू सो मच यार, जिसने लाइक मारा ना आई लव यू यार भाई, आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच यार। भाई साहब क्या लक चला हमारा भाई, हम लोगों को एक पहले वो मिली और सीधे अब, अरे 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 इसमें फ्यूल बहुत कम है भाई, अगर ड्रैग के बीच में एकदम से गाड़ी बंद होगी ना तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, रुको जरा फटाफट से इसमें फ्यूल फुल कराते हैं, ऐड फ्यूल, चल 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 RX7, देयर वी गो, चलो भाई आ जाओ, एक और RX7 लाने का टाइम हो गया दोस्तों। चलो इनको बताते हैं भाई आ गए हम। हाँ जी कुड़ी कह दी पहले RX7 दे दो, लाओ मैडम अपनी गाड़ी की चाबी ऐसी दे दो क्योंकि गाड़ी तो मैं ही ले जा रहा हूँ, बैट इस कार गाइस, लेट्स गो लेट्स डू दिस बॉयज लेट्स डू दिस, प्लीज गाइस प्लीज सारे के सारे प्रे करना भाई के लिए, लास्ट टाइम वाली गलती ना करूं, शिफ्ट अप शिफ्ट से है, कंट्रोल से शिफ्ट डाउन होता है, ऑल्ट से रेस आती मतलब नॉस आता है ठीक है, ये बस कंफ्यूज नहीं होना है, अंशु कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, हक दिया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेट्स गो हो जाए भाई, लेट्स गो इंजन स्टार्ट करते हैं, पहले गियर पे डालते हैं, आगे लेते हैं गाड़ी को बस ठीक है, वी कैन डू दिस ब्रो, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, उसके टायर देख यार कुछ काम नहीं कराया उसने गाड़ी में, यस हो भाई माइक्रो सेकंड से जीते हैं, बट यस ओ भाई हम लोग मास्टर RX7 जीत गए भाई, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है आज, क्या चल रहा है भाई,
आज क्या चल रहा है गाइस? और बताओ गाइस क्या चल रहा है? भाई अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, भाई साहब दिस इज नॉट रियल ब्रो, दिस इज नॉट रियल। मैं पक्का अपना ही गेम खेल रहा हूँ ना, ये मेरा ही वर्ल्ड है, ये मेरी शोरूम है, सब कुछ मेरा ही है ना ब्रो। हम लोग लिटरली एक डॉज वाइपर जीत गए और उसके बाद हम लोगों को एक रेस में, भाई साहब इसको भेजते पहले देखते हैं इसमें डैमेज वैमेज तो नहीं है। बिल्कुल डैमेज नहीं है पर मैं फिर भी इसको उसमें भेज रहा हूँ। अरे यार रिपेयर में वो है ना, टो ट्रक में भेज देते, छोड़ो इसको हम लोग लेके चलते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड भाई आई लव दिस कार ब्रो, आई लव दिस कार ब्रो। यार ये क्या गाड़ी है भाई, मैं तो लाइट बंद करूँ दिन के दोपहर में, इतना भी खराब नहीं है आके मेरी। अब हम लोग इसमें आराम से तेल भरा के जाएंगे गाइस, आराम से। भाई देख रहे हो, ये देखो मेरा एम्प्टी और फुल के बिल्कुल बीच में आ चुका है, देख रहे हो तेल। तो इसका मतलब हो सकता था अगर मैं फुल नहीं करा था तो बिल्कुल रेस के एंड में, हम लोग माइक्रो सेकंड से जीते हैं, बिल्कुल रेस के एंड में मेरा इंजन बंद पड़ जाता अगर रिजर्व में भी तेल नहीं होता और हम लोग हार जाते रेस। तुम देख रहे हो हर चीज़ जो होती है ना भाई वो सही के लिए ही होती है। मेरे को दिख गया टाइम पे कि भाई अपने पास फ्यूल नहीं है इतना, और उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग चल दिए। अब चलो चलते हैं फटाफट से, वो रही अपनी RX 7 और उसके बगल में, लेट्स गो। ओए इजी इजी इजी, बस इसको अभी के लिए यहीं पे खड़ी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई अच्छा वो बंद हो गया होगा ना ऑफिस, ऑफिस खोल देते हैं, पता नहीं रेस करने आते तो ऑफिस बंद हो जाता है फॉर सम रीज़न। अभी अपनी वो कहाँ है, एक मिनट मेरी गाड़ियाँ कहाँ है मेरी, अच्छा मैंने लगा दी थी ना, मेरे को डर लग गया भाई, मैंने कहा मेरी डॉज वाइपर कहाँ है, एक मिनट मेरी वाइट वाली डॉज, हाँ ठीक है ठीक है। भाई मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ अभी, मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा, सच्ची बता रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस गेम के अंदर। भाई क्या चल रहा है यार, हम लोग ऐसे एक ड्रैग में चले गए, और भाई मैं बता रहा हूँ मेरी किस्मत आज बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। चलो भैया फटाफट से मेरी डॉज वाइपर को मैक्स आउट करो पहले, अरे रेसिंग किट लगा दो, नॉस डाल दो इसके अंदर, सस्पेंशन थोड़े नीचे कर दो यार, भगाने के लिए चाहिए भाई को, ठीक है। हम लोगों को कौन सा यहाँ पे गड्ढों की डर है भाई, ये कर लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी ना लाइट को हम लोग ऐसे करते हैं ना, हाँ ऐसा एल्यूमिनेंट आए बिल्कुल एकदम ऐसे कर देते हैं प्लेट, यू नो गाइस यू नो वामू शोरूम की गाड़ी है तो प्लेट भी तो वामू होगी ना दोस्त मेरे, ये वाली लगाते हैं, ऐसे लगनी चाहिए कि ये टैक्सी है हमारी, ठीक है। और व्हील, इसमें व्हील तो एक्चुअली अच्छे ही हैं, बट वो वाले व्हील बहुत तगड़े थे भाई जो, हाँ ये वाले, ये व्हील्स भाई, ये देखो तुम लोग एक बार, ये व्हील्स मेरे को बहुत तगड़े लगे उसके, है ना। इसमें नहीं यार अच्छे नहीं लग रहे सही बताऊँ तो, दूसरे व्हील देखते हैं, ये वाले नहीं, नहीं ये तो BMW व्हील्स टाइप है, कुछ बढ़िया से तगड़े से व्हील ताकि गाड़ी ना एक सेकंड को भी बेकार ना लगे, ये बढ़िया लगे। चलो भाई ये तगड़ा लग रहा है, देखो ये देख रहे हो भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। आए! आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस जहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता था, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी और उसमें भी मैं भूल गया, और उसमें भी कम हो रहा है कहने को। मैं FPP करके, मतलब वो TPP करके अपने व्हील देख रहा था, सॉरी यार दोस्त, तो अपनी गाड़ी ठोकने की आदत पड़ गई बहुत ही गंदी भाई। चलो इसको लगाते हैं फटाफट से यहाँ पे वापस। हेलो सर जी क्या बात, अरे ये वो वाली नहीं है डॉज वाइपर यार, ये नई डॉज वाइपर लिया तुम्हारे भाई ने, ये गाड़ी ठीक हो गई ना अपनी, बढ़िया। इसको हम लोग भेज देते हैं टो ट्रक 1 पे। भाई ये क्या चल रहा है आज, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता, पता है क्या ही किस्मत चली यार हम लोगों की, हम लोगों को पहले ये गाड़ी मिल गई फिर क्या चल रहा है भाई आज। चलो इसको मेटालिक कर देते, थोड़ी सी पॉलिश वॉलिश मार देते हैं, एक रुको एक सेकंड ना भैया, इसमें मैं हल्की सी ये मार देता हूँ पहले, ठीक है पाइप मार देता हूँ ताकि गाड़ी साफ हो जाए थोड़ी सी, वरना कलर ना पता नहीं चलता गाइस, हम लोग कलर कौन सा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कलर ही पता नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा है ना। चलो अब देखो, अब कलर एकदम सही सही पता चल जाएगा, ठीक है। हमारी पिछली वाली गाड़ी ग्रीन है, एक अपने पास पिंक पड़ी हुई है तो थोड़ा सा ब्लूइश शेड पे लेके, ये ओ भाई परफेक्ट कलर, डजंट एग्जिस्ट, थोड़ा सा और डार्क, नहीं ज़्यादा डार्क हो रहा है, ये परफेक्ट है, लेट्स गो बॉयज, अपनी नई मास्टर RX 7 भाई आज अलग ही चल रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोग, आज अलग ही किस्मत चल रही है हमारी भाई, अलग ही किस्मत चल रही है। पहले गेम स्टार्ट होते ही हम लोगों को एक डॉज वाइपर मिल गई, और उसके बाद ये देख लो तुम लोग भाई, इसके सस्पेंशन हाई रखते हैं थोड़े से, और इसके व्हील देखो भाई, मेरे को कुछ नहीं प्लेट व्लेट बाद में, पहले इसके व्हील्स चेंज करेंगे हम लोग भाई, पहले इसके व्हील्स थोड़े से कूल लगाते हैं, नहीं ये जच नहीं रही इसके अंदर, गाड़ी ना वैसी लगनी थी, अच्छा ओके मैं समझ गया, क्योंकि ना गाड़ी बहुत ऊँची कर रखी है, सस्पेंशन गिराने पड़ेंगे थोड़े से, रुको बस काफ़ी है ना सस्पेंशन, क्योंकि ऊंची लग रही है ना तो फिर वो व्हील उतना अच्छा नहीं लगता, भी कितना ही सजा लो तुम व्हील को ना, ये तब भी ठीक ही लग रहे हैं, ये तो बहुत ही गंदे लग रहे हैं, चमकीले व्हील भाई क्रोम वाले व्हील क्यों लगाएगा कोई, कितने सही लगते हैं डार्क व्हील्स एकदम ना, ऐसा
लगे कि हाँ अंधेरा कायम रहे। जी यार किल्विस तो नहीं हूँ मैं यार। ना ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है, इसमें तो है ही नहीं ऐसा लग रहा है व्हील। ये ठीक ही है। ये रहे, सही है, यही सही, यही सही, ये अच्छे लग रहे हैं। चलो भाई देख लो एक बार तुम गाड़ी को क्या चमक रही है भाई। आए हाय 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 हाय, मजा आ गया। इसको हम लोग टो ट्रक 2 पे डाल देते हैं, फटाफट से अपनी डॉज वाइपर को निकालते हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें भी तो कलर करना है भाई। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नॉर्मल गाड़ियां खरीदी होंगी, मैंने समझ रहा हूँ ये अल्ट्रा रेयर गाड़ियां ही नहीं होंगी। तो दो इनारो अल्ट्रा रेयर कार, समझ रहे हो, इस गेम के अंदर टोटल में 4 अल्ट्रा रेयर कार है, जो कि एक ला फरारी हो गई, एक अपनी डॉज वाइपर हो गई, एक अपनी निसान GTR हो गई और एक अपनी मास्टर RX-7 हो गई। और हम लोगों को लेजिट मजाक मजाक में एक ऑक्शन में जाके डॉज वाइपर मिल गई और अगले वाले में हम लोगों को एक रेस में जाके सीधे मास्टर RX-7 मिल गई। I don't know about you guys, बट भाई ये तो अलग ही लग चला है मेरा, बहुत ही गलत लेवल का लग चल गया है मेरा भाई। चलो इस वाली डॉज वाइपर को हम लोग क्या कलर देंगे वो देखते हैं, ठीक है। मेरे को एक्चुअल में इस वाली डॉज वाइपर को क्या कलर देने का मन कर रहा है मैं बताऊं भाई। अगर किसी ने भी मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, जब मैं गया हुआ था BBT के शोरूम में और वहाँ पर एक तगड़ी सी BMW M4 खड़ी थी नई वाली किडनी ग्रिल्स वाली, तो मेरा मन कर रहा है इसको वो वाला ग्रीन कलर देते हैं भाई, समझ रहे हो, एकदम वो चटकीना ग्रीन कलर था ना जो एकदम ही यहीं कहीं पर है वो, ये ऐसी कुछ है वो, ये रहा बस ये। अब इसको देखते हैं अगर पॉलिश करके ज़्यादा ख़राब हो रही है एक्चुअली, मेटल ज़्यादा भी नहीं, आई थिंक ये परफेक्ट है। और देखो एक बार, ओ भाई साहब लेट्स गो। चलो दोस्त चलता हूँ, ठीक है मैं तो चलता हूँ। इसको हम लोगों ने मैक्स भी, हाँ इसमें उसमें वामू नंबर प्लेट नहीं लगाई है मैंने। ओके है ना, नहीं लगाई है ना, देखो ज़रा। हाँ कुछ नंबर है, अरे पागल हो क्या भाई, नंबर वाली गाड़ी है वो, गाड़ी तो देख लो पहले भाई। हम लोगों ने अपने थोड़े से इसको भी रेनोवेट करना है, बट रुको जरा, पहले इन लोगों को गाड़ी बेच ही देता हूँ भाई, ख़त्म करो भाई। जी कितने में लेनी है, 1,00,000 में मैं लगा रहा हूँ। अबे चलेगी, भाग गई भाई। कितने में लेनी है कोई बात नहीं, उसका नुकसान है भाई, वो गई है ना उसका नुकसान है। मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ, तेरे को कितने में चाहिए, 22,000 में चाहिए तेरे को गाड़ी, सेल भाई जा, खुश रह भाई। तेरे को कितने में चाहिए गाड़ी, तेरे को कितने में चाहिए गाड़ी, मेरे को बता भाई, मेरे को बता। आज तेरा भाई बहुत खुश है, आज तेरा भाई पार्टी कराएगा, बता कितने की चाहिए, 42 की चाहिए, जा ऐश कर, ले जा। ये किसको चाहिए, ये तेरे को चाहिए। मैडम मैं हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ। 1,00,000 की गाड़ी है, तुम्हें कितने में चाहिए, कितने में चाहिए, 78 में, जाओ मैडम ले जाओ, खुश रहो आज सब खुश रहो भाई, लेजिट मजाक से हट के आज मैं बहुत से ज़्यादा ही खुश हूँ। वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, पता चला शोरूम बंद हो गया कल को इतनी ज़्यादा मस्ती करने की वजह से भाई। अगर शोरूम पैसे नहीं ला के देगा तो फिर बंद ही होगा ना, और क्या होगा। और रुको, मेरे को एक बहुत तगड़ा आइडिया है गाइस, मैं गाड़ी को यहाँ खड़ी नहीं करूँगा, रुको मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरे को थोड़े से शोरूम को रेनोवेट भी करना था हल्का सा, जो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बोले थे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कर सकते हो, तो मेरे को एक दो के आइडियाज़ अच्छे लगे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। हम लोग सबसे पहले ना एक काम करते हैं उसी को, नहीं रुको, ये वाली डॉज वाइपर को पहले मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो हमने अंदर लगा दिया ना, लेट्स गो। इस वाली को देखते हैं मैं कहाँ लगाऊंगा, ठीक है अभी के लिए इसको यहीं लगा रहा हूँ मैं। और अपनी GTR का है, अच्छा अपनी GTR और एक और मास्टर RX-7 है, वो भी लगा लेते हैं। चलो बढ़िया, रात भी हो गई तो एक बार घर पे जाके सो के भी आ जाएंगे, और सो के आएंगे तो अपनी GTR में ना यार। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, इतने बड़े शोरूम के ओनर होने के लिए लाइक कुछ पर्क्स भी तो हैं, इवन दो हो सकता है ये गाड़ियाँ मैंने सेल पर लगा रखी है अभी ये सब है, बट एटलीस्ट जिस दिन मेरा मन करेगा तो मैं अलग अलग गाड़ियाँ लेके जा सकता हूँ ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। चलो फटाफट से लास्ट गाड़ी अपनी अंदर करते हैं, जो कि है, अच्छा अंदर क्या करनी है, शोरूम बंद करो, फटाफट से जाके सो के आते हैं अपनी निसान GTR में, लेट्स गो। और उसके बाद आके अपना मस्त शोरूम को इतना सही बनाऊंगा ना, तुम देखो बस। चलो GTR भाई चलते हैं यहाँ से। यार लेकिन क्या भागती है यार GTR। गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस गेम की लिटरली सबसे फास्टेस्ट कार चेक करूं कि कौन सी है, लाइक वैसे तो मेरे को जहाँ तक पता है GTR है, बट हमें देखना पड़ेगा ना कि सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड कौन जाती है, सबसे फास्टेस्ट कौन है, 0 to 100 कौन सी करती है। एक ही वीडियो में जितनी भी सुपर कार्स है ना इस गेम के अंदर, वो सारी सुपर कार्स को हम लोग चेक करेंगे। तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है, तो मुझे पता जाएगा तुम लोग को देखनी है, तो हम लोग गारंटीड चेक करेंगे भाई, गारंटीड, ठीक है। गाइस हो चुकी है गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। चलो बाहर चलते हैं जल्दी से और देखते हैं अपनी। ओ मेरी GTR को कोई रात को ठोक के चले गया भाई, अरे मेरी GTR को कोई ठोक के चले गया भाई। ओ कैमरा CCTV कैमरा देख रहा था ना मेरा। ओ भाई साहब हमारी GTR को आगे से,
भाई रुक जाओ, इसकी तो पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो ठीक है। ये रात को ही किसी ने कुछ करा है मेरी गाड़ी के साथ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। मेरी GTR को कोई ठोक के चले गया गाइस, इनको बताऊंगा मैं, तुम देखो बस। चलो चलो एक बार देख लेते हैं आते जाते, कुछ बढ़िया गाड़ी है क्या इधर पे? नहीं ना भाई, हर बार थोड़ी ना यार किसमें चल रही है, मतलब हर बार थोड़ी ना चलेगी यार इतनी तगड़ी, क्यों सही कहा ना भाई। क्या ही, लेकिन क्या ही नेक्स्ट लेवल चली यार किस्मत में, मजाक नहीं करूँगा भाई। फटाफट से अपनी गाड़ी को रिपेयर पे लगाते हैं, जितनी देर में रिपेयर करेगा उतनी देर में हम लोग फटाक से, मेरे दिमाग में एक दो आइडियाज़ हैं शोरूम को लेके, वो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास पैसा देखो बहुत है अभी, 87 लाख पड़ा हुआ है। तो फटाफट से जाते हैं, बस मेरा एक गेम क्रैश ना हो, है ना। हाँ बढ़िया, चलो। जिस समय मैंने वो 56 कार्स कर रखी थी ना गाइस, उस समय पे जो लैग हुआ था, 56 भी कहाँ, 70 से ज़्यादा कार्स थी टोटल में, तो क्योंकि कुछ गाड़ियाँ डबल भी थी ना हमारे पास, तो भाई अपने पास 70 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ थी उस टाइम पे। अच्छा क्लोज द ऑफिस टू एंटर एडिट मोड, देयर वी गो। चलो ऑफिस एडिट, देखो मेरा जो आइडिया है वो ये है, पहले तो हम लोग देखो वामू शोरूम को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यू कैन नॉट ओके माई बैड, ठीक है इसको हटाते हैं यहाँ पर से, क्यों मैं बताता हूँ, ये पूरी लेयर हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर से, ठीक है। और हमें ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये अब एंट्रेंस नहीं रहेगी, ठीक है। सब कुछ वहीं रहेगा बट एंट्रेंस ये नहीं है। अब देखो एंट्रेंस कैसे बनाऊंगा मैं, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हम लोग यहाँ पे वॉल्स लेंगे, वॉल्स नहीं विंडोज़ लेंगे, वही कांच वाली विंडोज़ एकदम, ठीक है। और उसके ऊपर या फिर एक काम करें, क्या ये वाली लेके गाड़ी कांच वाली, ये अच्छी लगती है बट यार पता नहीं यार, मतलब नहीं यार बहुत ही ज़्यादा फ्रेम नहीं दिख रहा, लाइक कांच की जगह फ्रेम दिख रहा है पूरा। एक काम करते हैं फुल फ्रेम वाली को लेके देखते हैं, ठीक है। ये ऐसी क्यों नहीं आ रही है, अबे ऐसे लग जा भाई, ये खड़ी क्यों लग रही है, ये अभी आया था। हाँ इसको यहीं लगाना है ऐसी, ये अबे ये देख रहो दोनों साइड जा रही, बस यहीं नहीं आ रही है। रुको अंदर, इधर से लगाता शायद लगता है भाई। ये क्या बदतमीजी है गाइस, ये क्या बदतमीजी है, एक बार देखो ये, मैं यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या बात हुई। अबे यार मेरा पूरा आइडिया तो वही है, ये क्या बदतमीजी है यार गाइस। देखो मैंने तीनों लगा दिया बट फिर भी मैं इसको सीधा नहीं लगा सकता। अब मैं मिडिल माउस बटन को इतना ही दबा दूँ या रोटेट करने के लिए कर दूँ, पर वो रोटेट हो ही नहीं रहा है। देखो ये देखो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, मैं कितना ही कर दूँ यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। अब मैं बदतमीजी नहीं हुई ये यार, मेरे को ऐसी चाहिए था। तो गाइस देखो इसको मैंने ऐसे करके पूरा का पूरा आगे को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। दो गेट्स है अपने आने जाने के लिए, वो तो खैर अलग बात है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लाइक थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, वॉल्स बना, मतलब वॉल के मतलब इसकी छत बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देंगे। अब इससे क्या होगा पता है, इससे हमारी थोड़ी बहुत और गाड़ियाँ अंदर आ पाएंगी, छत लाइक छत की गाड़ियाँ और आगे को आ पाएंगी, तो इसलिए हम लोगों को ये भी डिलीट करने पड़ेंगे अब, ठीक है, ताकि गाड़ियाँ आगे को आ पाएँ। और उसके बाद सेम जैसा इस साइड पे है वैसे ही हम लोग इस साइड को ही बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है भाई। ये मैं मजाक नहीं करूँगा, इतना कूल लग रहा है ना ऑलरेडी इसकी वजह से। गो ये डिलीट करना पड़ेगा, एक गलत बन गया मेरे से। एक तो ये कांच फ्रेम में ना दिखता ही नहीं है कुछ, थोड़ा सा भी नहीं समझ में नहीं आता, मतलब बेसिकली कि मैं क्या बना रहा हूँ। और लास्ट हमारा दोबारा से इसकी भी छत हम लोग, सेकेंड रुको पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं कर नहीं पाऊँगा। बस ठीक है, तो इसकी छत भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। देखो अब कितनी ज़्यादा जगह नहीं होगी, देखो ऐसे लग रहा है शोरूम कितना बड़ा, एकदम से ऐसा नहीं लग रहा शोरूम कितना ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। ओ भाई साहब, भाई एकदम से वामू शोरूम ऐसा लग रहा है, पता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार। बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है, पता है इसमें क्या पूछो भाई, इसमें एक चीज़ की कमी है जो कि ये फेंस का तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक है मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर ना एक छोटी सी कैसे बताऊँ, जैसे फेंस है वैसी अगर यहाँ पर कुछ क्रेजी सा होता ना मज़ेदार सा, तो फिर तो और मज़ा आता है यार। जैसे फैंस है ना वैसी कुछ होना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग बस यहाँ पे एक घोड़ा लगा देंगे और इस घोड़े को घुमा के यहाँ पर एक घोड़ा लगा देंगे, तो वैसे लगेगा जैसे एंट्री में, समझ रहे ऐसे एंट्री घोड़े दिखा रहे कि आ जाओ अंदर भाई, हॉर्स पावर है अंदर, समझ रहे हो यार। एक और चीज़ रुको जरा, ये हो गया। अरे यार ये वो थोड़ी ना है भाई, कोई ये रेस्टोरेंट थोड़ी ना है भाई, यहाँ सुपर कारें बिकती हैं, ये थोड़ा ना लगाएंगे, हट यहाँ से, गंदा लग रहा है ऊपर से। देखो यार एक ही दिक्कत हो रही है बस मेरे को, ये जो वामू शोरूम का टैग है ना मेरे को चाहिए था यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, बट ये लगाने नहीं दे रहा है, ये कह रहा है जमीन में लगा ले, यहाँ लगा ले एंट्री पे, पर यहाँ नहीं लगाने दे रहा है एग्जैक्टली, मेरे को यहाँ पर चाहिए। देखो ना वो काला काला सा कितना गंदा लग रहा है भाई देखने में,
अब यहाँ पर लगाऊंगा गाड़ियां छुप जाएंगी, तो या तो फिर हम लोगों को एग्जैक्टली इसको सेंटर पे ना यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देख रो ये, हाँ ये तब भी सही लग रहा है, बट यहाँ पे लग जाता ना अगर तो फिर तो बेस्ट ही हो जाता। मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इन गाड़ी लाइक इन डोर्स को हटाता हूँ, एक बार देखते हैं अगर इससे भी अच्छे हम लोग कुछ डोर्स लगा सकते हैं यहाँ पर, तो वो लगा देते हैं। ये नहीं यार, इसमें तो सेम चीज़ हो रही है यार, रुको एक मिनट, क्या पता इससे पर ये हो जाए अगर ये मूव करके यहाँ पे लग पाया ना उसके बाद, नहीं ना, सैड लाइफ। रुको और देखते हैं, डोर्स थोड़े बहुत और देखने पड़ेंगे हमें। भाई मैंने कुछ, ओ भाई मैंने दो, मैंने कुछ तो उड़ा दिया गलती से। अच्छा ओके, ज़मीन उड़ी ना, फिर ठीक है, ज़मीन हटी है तो ठीक है, क्योंकि ज़मीन दोबारा से लग जाएगी। अगर वो घूमने वाले हट गए ना तो पूरा आगे पीछे का पूरा ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो गाइस देखो, मैंने पूरा का पूरा जो शोरूम था वो कंप्लीट कर दिया। एक बार इसको बंद कर देते, बस भैया को अंदर ही बंद कर देते। ये देखो तुम लोग, ये कितना सॉलिड लग रहा है, देख रहे हो एट दिस मोमेंट। ये पूरा ऐसे देखो, दोनों के दोनों क्या कहते हैं उसे, घोड़े ऐसे आड़े तेड़े करके देख रहे हैं तुम्हें, हाँ भाई कितनी हॉर्स पावर चाहिए। और ये अपना पूरा शोरूम है, अंदर हमारी एक नई डॉज वाइपर भी खड़ी है, और उसके सामने हमारी नई मास्टर RX-7 भी। क्या किस्मत चली यार मेरी, मजाक से हट के भाई, मैं तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं तो कह रहा था मैं चैलेंज करना, ये करना, वो करना, और वहाँ क्या हो गया भाई, क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब हम लोगों को बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, मैं यहाँ पर से ना थोड़ा सा कुछ डिलीट करने वाला हूँ, जो कि होगा ये दो। हम लोगों को यहाँ से गाड़ी जाने वाला बनाना है, तो हम लोगों को गाड़ी के लिए भी देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग अपना ये बना देंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारी गाड़ी अंदर चले जाएगी, बस मेन चीज़ यही है। तो हम लोग यहाँ से अंदर आ सकते हैं वो सब चीज़ें, बट हमारी गाड़ियाँ हम लोग यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग चाहें तो, लेकिन यार फिर पता है क्या सीन है, फिर ना हमें कोई भी गाड़ी सेल वेल करने को तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सोच रहा था हम लोग यहाँ से गाड़ी ऐसे मस्त करके अंदर लेके आ सकते हैं और ये हो जाएगा। बट यार इससे शोरूम की लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है मेरा। रुको यार, मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे मेहनत ज़्यादा लगेगी, आई नो गाइस, हर बार जितनी बार भी मैं करूँगा मेरे को इससे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट मैं रेडी हूँ यार करने के लिए, तुम समझ रहे हो, मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए, मेरे को कोई इशू नहीं है भाई। देखी जाएगी जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग इस साइड से बनाते हैं एंट्री का, ठीक है। तो हमें जब भी गाड़ी लेके आनी होगी ना, हम लोग इस साइड से अपनी गाड़ी को लेके आएंगे, सामने से पूरा कांच ही कांच दिखेगा लोगों को, मेरे को नहीं चाहिए कि उधर से भाई वो सब दिखे। आई एम सॉरी यार गाइस, ठीक है, हमें गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, तो हम गाड़ी को पीछे से ही लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ अपना वही खुलने वाला, तो ये लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा कूल। यार वो नहीं फिर से यार, यहाँ पर लगता ही नहीं है, रुको। पता क्या होता है यहाँ पर, तो ऐसा आड़ा टेढ़ा करके तुम स्पैम मारोगे ना, देखो अभी रुको, हाँ देखो यहाँ पर मैं आड़ा टेढ़ा करके स्पैम मारूंगा ना, जब तब लग जाएगा देखो एकदम से। अबे कहाँ लग रहा है भाई, हेलो कम ऑन, लग जा दरवाजे, मेरे ख्याल से दरवाजे भी नहीं लगेंगे, पहले ना इनको हटा के, वो देख रहे हो उसको कहाँ लगा दिया उसने, एंट्री पे लगा दिया। यार ये छोटे मोटे ग्लिच होते हैं ना, ऐसा मूड ख़राब होता है ना इनको देख के भाई। देखो मैं दिखाता हूँ इसको ना, हम लोगों को पहले पूरा ऐसे करके इससे भरना पड़ेगा, और ये देखो अब कांच आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग इसको बस कांच की जगह क्या कर देंगे, इसको हम लोग कांच की जगह, अरे यार काट मत भाई, बहुत क्रूशियल जगह पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको कांच की जगह बस ये डोर्स लगा देंगे। प्लीज़ लग जा, प्लीज़ लग जा ब्रो। यहाँ कहीं से लग सकता है, मैं ये पूरा कांच हटा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे भी अरे ये देख रहे हो, जहाँ मुझे लगाना है बस वहीं नहीं लगेगा, जहाँ मुझे लगाना है बस वहीं नहीं लगेगा बोल रहा है वो, और कहीं भी लगा लो सर आप, ठीक है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिर बिल्कुल, ठीक है। या फिर रुको एक मिनट, रुको रुको, ये डिलीट करो, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग भी लगेगा इससे, मैं बताता हूँ कैसे। तो ये हम लोग यहाँ से ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद पता नहीं यार मैं ही ऐसा हूँ या फिर हम सारे के सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर ही ऐसे हैं भाई, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई हमें ना फिर हम लोग कुछ भी देखते तो हमें ऐसे हो जाता है कि हाँ यार ये ऐसी करना चाहिए, ये ऐसी होगा, ये ऐसी होगा करके। यार कम ऑन यार, लग जा प्लीज़ ब्रो, लगा है ना पहले एक बार, बदतमीजी मत कर यार, तेरे बगल वाला लग गया है, ये देख रहे हो एक बार वो लगा हुआ है, अब की बार वो लग नहीं रहा है यार, ये क्या बदतमीजी, एक बात बताओ मुझे। अब देखो एक बार वो लग गया था, अब ये लग ही नहीं रहा है, अब ये लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कांच, ये देख रहे हो तुम लोग, ये देखो क्या करूं यार, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं इस गेम से सब हो चुका है, बस एक एक ये चाहिए, एक विंडो यहां पे चाहिए, लेकिन नहीं मान ही नहीं रहा हूं। फाइनली गाइस लग चुका है, अब हम लोगों को बस इसको हटाना है पूरा का पूरा, जितना भी मैंने इसके लिए, भाई ये भाई गॉड छोटे छोटे ग्लिच होते ना, ऐसा मूड ख़राब हो जाता है ना इनसे। बस ये सारे के सारे बंद कर देते हैं, अब हमारी गाड़ियाँ भी सारी एक्सेसिबल हो गई हैं, अब लग रहा है ना सही वाउ शोरूम। बस ये एक दो चीज़ों की वजह से ना यार ये वामूशोर यहाँ आ जाएगा, सोचो कितना क्रेजी कूल लगेगा, बट हम लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, देख रहे हो ये रेड हो रहा है ना,
क्योंकि हम लोग लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर ये लग जाता सोचो कितना मस्त नहीं लगता ये, यहाँ पे लग सकता है बट इससे सारी गाड़ियाँ ढक जाएंगी यार। कितना वो गाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं इसकी वजह से यार। चलो अभी के लिए तो हम लोग वामू शोरूम को यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वामू शोरूम कंप्लीट। हम लोग पीछे से जाके पूरा घुमा के लेके जाएंगे अब गाड़ियों को, वहाँ पे लगाएंगे। एक और लास्ट चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो की है, ये दोनों लिफ्टों को मैं हटा देना। अब तुम सोच रहे हो फिल्म टुम भाई ऊपर कैसे ले जाओगे, मैं बताता हूँ। हम लोग लगाएंगे ये नई मेगा लिफ्ट यहाँ पे, ठीक है ना। अब होगी बातचीत, देखो तुम लोग रेडी। यस, ये रही, यहाँ पर हम लोगों को ये मेगा लिफ्ट को लगा देना है। एक मिनट देना जरा। तो गाइस भाई ने सारी सारी गाड़ियां लगा दी है, लेट्स गो, नीचे चलते हैं भाई। बहुत ज़्यादा टाइम है, मजाक नहीं हो, मेरे को आधा घंटा कम से कम ये शोरूम को पूरा सेट करने में लग गया है। सो हियर वी गो गाइस, हम लोगों का शोरूम हो चुका है एकदम रेडी, एकदम चकाचक। हॉट डैम, देख रहे हो एक बार कितना मस्त लग रहा है दिखने में भाई साहब। हर जगह पे तुम लोगों को सुपर कार्स दिखेंगे, अल्ट्रा लग्जरी कार्स दिखेंगे। सामने देखो ला फरारी तुम्हें अंदर को आते ही, फिर अपनी क्या कहते हैं मास डायरेक्ट 7 हो गई, फिर ऑडी R8 हो गई एकदम खतरनाक। यहाँ पे फिर से तुम लोगों को पोर्शे दिख जाती है 911 पुरानी वाली, यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी दिख जाती है, यहाँ पर अपनी फरारी SF40 आई गेस वो दिख जाती है, उसके बाद अपनी मास डायरेक्ट 7 वंस अगेन, फिर अपनी क्या कहते हैं सुपरा है, सुपरा क्या मस्टैंग है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दोबारा से मास डायरेक्ट 7 है। एक नंबर में कितनी मास्ड है, 1, 2, 3 और एक इसके पीछे है वहाँ 4। ओ मेरे पास 4 है, मेरे को लगा तीसरी है ये मेरी, मेरे पास 4 मास्ड RX-7 है। डैम ब्रो, तो ये हमारा पूरा का पूरा शोरूम देखो कंप्लीट हो चुका है, एकदम मस्त लग रहा है। बस एक गाड़ी की हम लोगों को जगह बड़ी ऐसी कुछ बनानी है। अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, हम लोग अपनी नई नवेली डॉज वाइपर को कहाँ पर लगाएं, ठीक है मेरे को बताओ कि ये डॉज वाइपर को कहाँ पे लगाए। देखो कितना मस्त हो रहा है शोरूम में, अंदर आते समय तुम्हें लेफ्ट में ऐसे सुपरा दिखेगी, राइट में ऐसे मास्ड RX-7 दिख रही है, अंदर आ रहे हो तो तुम्हें सीधे सामने से ऐसे डॉज वाइपर ला फरारी घूमते हुए दो एक भी नहीं भाई, क्या क्रेजी सीन बन गया है। मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में बताओ। और देखो बंदे जाने को मैंने अब ये इसमें से वो हटा दिया, तो बंदे जाने को ये जो प्रीमियम लिफ्ट है इसको भी यूज़ करके जा सकते हैं हम मस्त करके। यहाँ पर सारी की सारी कार्स देखो ऐसे लाइन वाइज खड़ी हुई है यार, ये हमारी GTR जो इंडिया का तिरंगा बना रही है। हाय मज़ा आ गया कि नहीं आएगा इस, कॉमेंट सेक्शन में बताना मेरे को तुम लोगों को याला शोरूम बेस्ट लग रहा है या फिर पुराना वाला, वो बताना। खैर अभी के लिए तो मैं निकलता हूँ गाइस, मेरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं अपनी नई डॉज वाइपर लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। या कोई मीटिंग नहीं है, सोने जा रहा, रात हो गई बहुत। बाय बाय दोस्तों।